गुनाह इंसान की जिंदगी को तंग करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तू झूठ बोलता है तो तेरे फरिश्ते किरामन कातिबीन साइड पे होके खड़े हो जाते हैं, जब तू जिना करता है तो तेरे अंदर से ईमान निकल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरी कौम में ना इंसाफी आम हो जाएगी तो कत्ल भी आम हो जाएगा। और सुन लो लिख लेना ये हदीस दिल की तख्ती पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरी कौम में बेहयाई और बदकारी आम हो जाएगी तो दो सजाएं अल्लाह देगा, एक तो जवान मौतें आएंगी, जवान बच्चे कुछ भी नहीं देखा चलेगा, और दूसरी सजा अल्लाह ये देगा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज नहीं मिलेगा, ऐसे अमराज फूट पड़ेंगे। अगरचे मैं आपको ऐसी तकरीर भी सुना सकता था जिसपे आप बहुत ज्यादा महजूज होते, पर मैंने इस जुमे में ऐसा मौजू चुना है जिसका हमें खास जरूरत है। भाई देखे तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन ऐबों में मुब्तला हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना छोड़ दोगे, फिर अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। और अगले लफ्ज उससे भी ज्यादा सख्त हैं, महबूब फरमाने लगे, फिर तुम्हारी नेक लोग दुआएं भी करेंगे तो अल्लाह वक्ती तौर पर उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाएगा, इसलिए कि तुम लोगों ने नेकी का हुक्म देना और भलाई से रोकना छोड़ दिया। अजीजों याद रखो, जब गुनाह आम होते तो फिर हालात बदलते और लोगों को सजा मिलती है उनके गुनाहों की, बल्कि यहां तक लिखा है कि नीयत खराब हो तो सजा शुरू हो जाती है। क्या खराब हो बोलिएगा, नीयत भी खराब हो तो सजा। हजरत रूमी कहते हैं कि एक बादशाह को पता चल गया कि एक आदमी ने बड़ा अच्छा बाग लगाया है, खूबसूरत बाग है, माल्टे का किन्नों का बाग, बड़ा प्यारा। बादशाह ने कहा जरा जाके देखता हूं। बादशाह सलामत बाग देखने आए तो अब वो मजदूर आदमी था, आम आदमी था जिसने बाग लगाया, किसान था, उसको कहा कि चंद किन्नों तोड़ के लाया तो बड़े प्यारे लगे, एक दो और लाया खाए, बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़े तवाना, बड़ा मजा आया। तो बादशाह के दिल में ख्याल आया कि इस पे कब्जा ना कर लूं बाग पे, हमारे यहां ना किराए पे दुकान देता ना मालिक, तो जब किसी गरीब की चल जाती है कहता है तू खाली कर, मैंने खुद डाल ली है, चल गई ना उसकी, हालांकि रिस्क अपने अपने नसीब का है, रिस्क अपने अपने नसीब का है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है अता करता है। तो उसको कहा कि और तोड़ के ला, और दिल में ख्याल है कि यार इतना अच्छा बाग है कब्जा कर लेते हैं, हमारी घूमते कब्जा कर लेती है कि जो चीज अच्छी लग जाती। अब वो किसान दो तीन किन्नों तोड़ के लाया, उसने खाए तो खट्टे निकले, तुर्श थे, कहने लगा तुझे क्या हो गया है? तो बंदा बड़ा साहिब दिल था, कहने लगा मैं तो ठीक हूं, आप अपनी नीयत से पूछे कहीं खराब तो नहीं हो गई। तो किन्नों में भी उसका असर आ गया, अपनी नीयतें बिगड़ जाए ना नीयतें। अब एक बात कहने लगा हूं, गौर से सुनना, जब तक दो भाई इकट्ठे कारोबार करते हैं नीयत होती है कि हमारा घर चलेगा, तब तक अल्लाह बरकत देता है, और जब अपनी अपनी जेबें समेटने लग जाते हैं ना कि ये मेरा 5,000 है आज मैं गया था उगराई करने, ये मेरा 10,000 है आज मैंने मेहनत ज्यादा, जब वो टटोलने लगते हैं फिर उस दुकान से भी बरकत उठ जाती है, फिर वहां से भी बरकत चली जाती है। फाइना लहू मही शतन धन का फरमा, जब तू मैं मुंह फेर लेता है फिर तेरी जिंदगी अल्लाह तंग कर दे, फिर वहां से भी बरकत खूबसूरती असर उठ जाता है। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा, तो सुनार बेऔलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया, 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा, जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता कई दफा घर में रहता, एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान, उसकी बीवी अकेली थी, वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा, बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महब हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा डंडा उठाएगा,
नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाबू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया। कहा तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती, जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अलामा इस्माइल हक्की 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 5, 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता। फलना लहू मईशतन तंका, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए, तेरे लिए मुश्किल। तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करें, खरी तौबा करें। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं।